वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन हिस्ट्री में बौद्ध धर्म की अंतिम। बौद्ध धर्म के बारे में हमने लगभग सारा कुछ पढ़ लिया और ये है उनके इंपॉर्टेंट वन लाइनर। ये लास्ट क्लास है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला फैक्ट है हमारे पास, मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। ठीक, लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कूटाग्रशाला का निर्माण करवाया। धम्मपद, इसे बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। यह अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें बौद्ध दर्शन के प्राय सभी सिद्धांतों का वर्णन है। डॉक्टर भंडारकर ने सर्वप्रथम बताया कि अशोक के धम्म सिद्धांतों को राहुलो वासुत्त में लिखा गया है। विमान वत्थु नामक ग्रंथ में स्वर्गीय सुखों का वर्णन है। अशोक के दिव्य नाटकों का स्रोत यही है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, यह 9वीं शताब्दी में रचित महायान बौद्ध ग्रंथ है। राहुल सांस्कृत्यान ने इस ग्रंथ की प्रति को तिब्बत से भारत लेकर के आए। केपी जायसवाल ने उसका अंग्रेजी से अनुवाद किया है। 1925 में गणपति शास्त्री ने इसको प्रकाशित किया। इसमें बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त शासकों का वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक, इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनसे मिलता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है, यह भी हम पढ़ चुके हैं। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में मानता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 साल थी, ध्यान रखना। बौद्ध संघ का ये नियम था कि अगर आप बौद्ध संघ में एंट्री लेना चाहते हो तो कम से कम 15 साल के होने चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, जैसे महिलाएं, शूद्र, दास, गुलाम, बीमार, अपाहिज, इन लोगों को बौद्ध संघ में आने की अनुमति नहीं थी। अगर आपने कर्जा ले रखा है तो आप भी नहीं जाओगे। बाद में महिलाओं के आग्रह करने पर वैशाली में भगवान बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति दे दी, ध्यान रखना। बौद्ध संघ में प्रवेश होने की जो परंपरा थी इसको उपसंपदा कहा जाता था। अच्छा, त्रिरत्न के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल किया, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। और पहली महिला कौन है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रजापति गौतमी, जो बौद्ध संघ में शामिल हुई। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए जेतराम विहार की स्थापना की। कौशल नरेश प्रसेनजीत भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण उन्होंने की और संघ के लिए पुब्बाराम नामक विहार का निर्माण करवाया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्धों ने अपनी भाषा को संस्कृत, अपनी भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान विभाजित हो गए, हम पहले पढ़ चुके हैं। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य हैं धर्मत्राथ, बुद्धदेव, वासुदेव आदि। शून्यवाद के जो प्रवर्तक है वो नागार्जुन है। इनकी प्रमुख रचना माध्यमिक कारिका है। विज्ञानवाद व योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने की। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई जाती हैं उनको चैत्य या स्तूप कहा जाता है। ठीक है, हालांकि चैत्य जो है बेसिकली पूजा घर होता है, ध्यान रखना। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जो आवास बनाए गए उन्हें विहार कहते हैं। ठीक है, स्तूप का अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। बुद्ध के जीवन पर आधारित लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य की रचना एडविन अर्नोल्ड ने की है, ध्यान रखना। और यह पुस्तक किस पर आधारित है? एक बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है ललित विस्तार। आगे देखिए, महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। बौद्ध धर्म मूलतः अनात्मवादी है, मतलब आत्मा में विश्वास नहीं रखता। ठीक है, लेकिन पुनर्जन्म में मानता है, ये बात ध्यान रखना। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया और चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान महायान का विभाजन हो गया, पढ़ चुके हैं। कालांतर में
महायान दो भागों में बटा, शून्यवाद और विज्ञानवाद। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा वज्रयान के रूप में भी विकसित हुई, जो बेसिकली जो तांत्रिक संप्रदाय है वो। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार कला शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला शैली में बनी। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। आगे इसमें लास्ट पॉइंट और देख लो, ये है भारत के प्रमुख बौद्ध मठ और उनकी स्थिति। पेपर में ये पूछ लेता है, चलिए देख लेते हैं इसको जल्दी से। पहला है घूम मठ, कहाँ पर है ये? घूम पश्चिम बंगाल में। ताबो मठ कहाँ पर है? ये ताबो गांव में है, स्पीति वैली में, हिमाचल में। की गोम्पा मठ, ये स्पीति में है, हिमाचल में। नामग्याल मठ, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला। हेमिस मठ, लद्दाख में। अलची गोम्पा मठ, अलची गांव लेह में। थिक्से मठ, कई बार पेपर में आ चुका है, लद्दाख में है। लिंगडम मठ, गैंगटोक सिक्किम में। रूमटेक मठ, गंगटोक सिक्किम में। तवांग मठ, तवांग अरुणाचल प्रदेश में। नामडूलिंग मठ, मैसूर कर्नाटक में। बोधिमंडा मठ, बोधगया बिहार में। शंकर मठ, लद्दाख में। शाशुर मठ, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। और मिंड्रालिंग मठ, देहरादून उत्तराखंड। इसी के साथ हमारा बौद्ध धर्म हुआ समाप्त। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे जैन धर्म की। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।